स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक नई फाइलम। अभी जैसे हमको पता है, हम लोग इनवर्टिव ब्लेड्स का पेपर कर रहे हैं और अभी तक की जो भी फाइलम हमारे पास आई हैं वो सारी की सारी रेडियल सिमेट्री वाली थी। तो अब हम एक नई फाइलम करने वाले हैं जहाँ से कि बाइलेटरल सिमेट्री शुरू होती है। बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि अगर एक प्लेन में उसको अगर डिवाइड करें तो दो बिल्कुल एक जैसी मिरर इमेजेस हमको मिलती हैं। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट करने वाले हैं जिसको प्लेटी एलिमेंथीज कहते हैं या फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं। और जो फ्लैटफॉर्म्स होते हैं इसमें से बहुत सारे पैरासाइटिक भी होते हैं और हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों ने एनकाउंटर किया हो या अपने आसपास देखा हो कि कुछ लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं हम आज की यूनिट और इसका नाम है प्लेटी एलिमेंथीज। तो बच्चों, एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग फाइलम प्लेटी एलिमेंथीज देख रहे हैं आज। और प्लेटी एलिमेंथीज को कॉमनली हम लोग लेमन लैंग्वेज में एक फ्लैट फॉर्म्स कह देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो होते हैं पूरे फ्लैट होते हैं। ज़्यादातर जो इनके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज़्यादातर जो इनके जीव होते हैं वो फ्लैट शेप होते हैं, इसलिए इनको फ्लैट फॉर्म भी हम लोग कह देते हैं। और अगर इनका हम ओरिजिन और इनका क्लासिफिकेशन के बेस पर की और इनकी ट्री देखें तो हम देखते हैं कि जो प्लेटी एलिमेंथीज हैं वो पहले ऐसा फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में जो कि बायलेटरल सिमेट्री है। जिसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप बीचों बीच दो हिस्सों में बांटें तो वो एक जैसे दो कार्बन कॉपी जैसी चीज़ें निकल के आती हैं बाहर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं। तो प्लेटी एलिमेंथीज पहली फाइलम है जहाँ से कि बायलेटरल सिमेट्री शुरू होती है। इसके बाद जितने भी फाइलम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर में बायलेटरल सिमेट्री होती है। इवन ह्यूमन बीइंग्स में भी आप अगर देखें तो आप अपने शरीर को बिल्कुल दो हिस्सों में बांट सकते हैं बीचों बीच, और दोनों के दोनों हिस्से एक जैसे आपके होंगे, तो इसको हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो प्लेटी एलिमेंथीज भी जो होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। बेसिकली इसमें चार किस्म के ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। पहले मिलेंगे आपको फ्लैट फॉर्म्स, फिर आपको मोनोजीनियंस मिलेंगे, फ्लूक होते हैं इसमें जैसे लीवर फ्लूक आपने देखा होगा, और वॉर्म्स होते हैं टेप वॉर्म, जैसे आपने देखा होगा कि जो पॉक टेप वॉर्म होता है और बाकी दूसरे जो टेप वॉर्म्स हैं। तो ये चार किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस फाइलम में पाए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल में भी आगे देखेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इस फाइलम की कि ये जो फाइलम है इसके जनरल क्या क्या इसके कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो यहाँ से शुरू होता है और आगे जाके पूरे फाइलम्स में चलता है वो है सिफिलाइजेशन, यानी कि सर का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। यहाँ से आप अलग कर सकते हैं कि ये उसका सर है और ये उसका बाकी का धड़ है। ये वाला ये चीज़ें इस फाइलम से शुरू होती हैं। इनमें सेंस ऑर्गन्स भी डेवलप होती हैं जो फोटो सेंसरी और कीमो सेंसरी होती हैं, यानी कि वो लाइट को सेंस कर सकते हैं और कोई केमिकल्स को भी सेंस कर सकते हैं। हल्का सा एक बहुत ही कम डेवलप्ड ब्रेन भी होता है जो एंटीरियर पार्ट में होता है इनके। इसके अलावा जिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, इसमें कि एक प्लेन में अगर इसको हम सिमेट्री अगर इसकी करें डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि ये दो मिरर इमेजेस को बनाता है। अगला कैरेक्टर जो है वो है बॉडी प्लान। अगर इनका हम बॉडी प्लान देखें तो ये एसिलोमेट होते हैं, इनके अंदर कोई सिलोम नहीं होता, ट्रू कैविटी नहीं होती इनके अंदर। और ये जो फाइलम है और इसके अलावा जो आगे के जो फाइलम्स हैं वहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि थ्री जर्म लेयर्स वाली सिस्टम शुरू हो जाता है। अभी तक हमने देखा, इससे पहले जो भी फाइलम हमने देखी उसमें हमने देखा कि वो सब डिप्लोब्लास्टिक थी, उसमें दो ही लेयर थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन जो मेसोडर्म की लेयर है वो आनी शुरू हो जाएगी इस फाइलम के बाद, और इस फाइलम के बाद जितने भी आगे की फाइलम्स हैं उन सब में थ्री जर्म लेयर्स होंगी। जो मेसोडर्म होती है इन एनिमल्स में वो इसमें मसल्स को बनाती है और बहुत से ऑर्गन्स को डेवलप करती है और पैरेन्काइमा बनाती है जो कि एक सॉलिड टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा आप जेली लाइक स्ट्रक्चर मान सकते हैं या फिर एक अंदर टिश्यू फॉर्म है जो सॉलिड टिश्यू है जिसके अंदर की फाइबर्स होते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस कलरफुल डायग्राम आप देख सकते हैं कि जो बाहर की लेयर है वो नीले रंग से दिखाई गई है, वो एक्टोडर्म है, और
उसके बाद जो मीजोडर्मल ऑर्गन्स अंदर दिखाए गए हैं, पैरेन्काइमा जो मीजोडर्म है, बीच की लेयर है, और सबसे अंदर गट जो है वो एंडोडर्म है। तो तीन लेयर होगी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। उसी तरीके से दाएं साइड में आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में कि जो एंडोडर्म है वो लेयर कैसी होती है, मीजोडर्म की लेयर कैसी होती है और एक्टोडर्म की लेयर कैसी होती है, ये उसकी डिटेल हिस्टोलॉजी है। इतना डिटेल हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जो मीजोडर्म होता है वो मसल फॉर्म करता है और पैरेन्काइमा फॉर्म करता है। आउटर बॉडी कवरिंग अगर इसकी देखें प्लेटीहेलमिंथीज की, तो हम देखते हैं कि कुछ प्लेटीहेलमिंथीज में, जैसे कि आप देखें टर्बुलेरियंस में, उसमें एक सीलिएटेड एपिडर्मिस होती है बाहर पर। ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनमें रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रेबडेट्स कहते हैं, और जब ये पानी में छोड़े जाते हैं या पानी में रिलीज होते हैं तो ये एक्सपेंड होते हैं और एक प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर, म्यूकस कोट या लेयर बना लेते हैं पूरे एनिमल के चारों ओर, जिससे कि जो अगर इसके कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं तो ये उन कंडीशंस में ये रेबडेट्स इसकी प्रोटेक्शन करने में इसके सहायक होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें सारे के सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो तकरीबन तकरीबन सारे प्रेजेंट होते हैं, आपके इंटेस्टाइन से लेकर नर्व कॉर्ड तक, और सीलिया भी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आउटर लेयर है उसमें बहुत ही वो पूरी की पूरी सीलिएटेड है, एपिडर्मिस है। जो आउटर बॉडी होती है इनके अलावा यानी कि ट्यूबुलेरियंस के अलावा वो दूसरे जो प्लेटीहेलमिंथीज जो होती है, अगर मान लीजिए कोई पैरासाइटिक फॉर्म है, पैरासाइटिक फॉर्म यानी कि दूसरे जीवों के अंदर जो जीव रहता है वो वाला फॉर्म है, तो वो नॉन सीलिएटेड टैगोमेंट होती है। अगर वो सीलिएटेड नहीं है तो वो नॉन सीलिएटेड टैगोमेंट होगी। और टैगोमेंट किसको कहते हैं, टैगोमेंट को सिंशियल एपिथीलियम भी कहा जाता है। अगर आप डिटेल में उसका स्ट्रक्चर देखें कि जो तीन लेयर हमारी हैं या फिर जो सेल की लेयर आउटर लेयर है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो स्पाइन है उसके नीचे आपका डिस्टल साइटोप्लाज्म होता है, और मसल लेयर होती है एक, पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, फाइब्रस सेल्स होते हैं, गॉल्गी बॉडी होती है, टेगोमेंट्री सेल बॉडी होती है, और माइटोकॉन्ड्रियल और न्यूक्लियस भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये पूरी डिटेल्ड एक हिस्टोलॉजी है, लेयर है उसकी, जो आउटर लेयर अगर आप देखें कि जो नॉन टर्बुलेरियंस है, जो फ्री लिविंग नहीं है, पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं, तो उनके अंदर इस तरह के आपका आउटर लेयर पाई जाएगी। ऑर्गन सिस्टम अगर प्लेटीहेलमिंथीज की हम बात करें कि अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका, पाचन तंत्र है और नर्वस सिस्टम है, तो इन सबको देखते हैं कि ये कितना डेवलप्ड होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गन डेवलप होना शुरू होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री शुरू होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर शुरू होती है। तो जो हमारे अंदर जो भी फीचर्स है, जो एडवांस एनिमल्स के अंदर जो भी फीचर्स हैं, उनकी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है यहाँ से। सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, हम पाचन तंत्र की बात करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें कि माउथ, फेनिक्स और ब्रांचिंग इंटेस्टाइन होती है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इसमें देखने लायक बात यह है कि अगर ये फ्री लिविंग होगा तो उसको तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर वो पैरासाइटिक फॉर्म होगा तो उनको इन ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि ये, और ज़्यादातर फॉर्म इसके पैरासाइटिक फॉर्म है, तो इसीलिए इसमें जो सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जो इंटेस्टाइन होती है उसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है और दूसरी तरफ से वो ब्लैंड सिस्टम होता है, यानी बंद होता है दूसरी तरफ से। और डाइजेशन इसमें दोनों तरीके से होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो वो ऑस्मोरेगुलेशन से होता है इसमें, उसमें वाटर कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होते हैं इसकी बॉडी में, अगर आप देखें इस डायग्राम में मैंने दिखा रखा है आपको, और उसमें जो होते हैं फ्लेम सेल्स होते हैं। इसको फ्लेम सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब सीलिया जब इसकी बीट करती हैं तो वो अग्नि की तरह, फ्लेम की तरह, वो ऐसा लगता है कि वहाँ पर से फ्लेम उठ रही है, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स कह देते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का कि फ्लेम सेल्स प्लेटीहेलमिंथीज में प्रेजेंट होती हैं। ये पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि ट्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ये पानी जब इनकी जो सीलिया हैं
ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है और जो पानी का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इन पोर्स से फिर एक्सक्यूटरी सिस्टम आना, जो भी एक्सक्यूटरी उसका जो भी डाइजेशन का उसका सिस्टम होता है, जो भी उसका डाइजेशन क्या हुआ सब्सटेंस है, वो सारे के सारे पोर्स से बाहर निकलते हैं, जिन पोर्स को हम नेफ्रिडियो पोर्स कहते हैं। तो नेफ्रिडियो पोर भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, और फ्लेम सेल्स ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके प्लेटिहेमेंथीज में पाई जाती हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस डायग्राम आप देख सकते हैं कि जो बाहर की आपकी लेयर है, जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसका एक तरीके का, तो उसमें जो है एक फ्लेम सेल्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस प्रकार से होते हैं। हेड वाले पोर्शन में जैसे आप देख सकते हैं इंटीरियर पार्ट में न्यूक्लियस होता है, फिर सीलिया है और ट्यूब्यूल्स है, और उसके अंदर ट्यूब सेल्स होते हैं। तो कहाँ पर ये सिचुएटेड होता है और कैसे होता है, और ये इसका काम होता है कि एक्सेस जो भी पानी होता है बॉडी में उसको ये बाहर करता है, उस पानी के साथ ही जो भी एक्सक्यूटरी प्रोडक्ट होता है, जो भी पाचन के बाद बचा हुआ सब्सटेंस बॉडी में है, उसको उसी पानी के साथ नेफ्रिडियो पोर से बाहर करते हैं। मस्कुलर सिस्टम भी इसमें शुरू हो जाता है, मसल्स बननी शुरू होती हैं। एपिडर्मिस के नीचे अगर आप देखें तो उसमें सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका कि ये यूज़ करता है अपने लोकोमोशन के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। डॉर्सो वेंट्रिकल मसल्स भी देखी गई हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, वो भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से देखें तो इसमें तीन प्रकार के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मस्कुलेचर और डॉर्सो वेंट्रल मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलेचर। तो बेसिकली अगर मोटा बोले तो दो प्रकार से सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे थे कि नर्वस सिस्टम जो होता है इनका, मैंने जैसे आपसे कहा कि इन ऑर्गेनिजम्स में नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है, हेड होता है और एक सिंपल सा ब्रेन होता है जहाँ पर कि ब्रेन बनने की शुरुआत हो रही है इन ऑर्गेनिजम्स में। और इनके अंदर एक बहुत ही अच्छा करेक्टर जो आगे के आपके एनिमल्स में मिलता है वो ये है कि इनके अंदर लॉन्ग नर्व कॉर्ड्स पाई जाती हैं और जो पूरी बॉडी के अलॉन्ग रन करती हैं, और कुछ छोटी कॉर्ड्स होती हैं जो कि उनको आपस में ज्वाइन कराती हैं, मिलाती हैं। और जो फ्री लिविंग स्पीशीज होती हैं उनमें तो सेंसरी सिस्टम अच्छा डेवलप होता है, क्योंकि उनको आवश्यकता होती है, वो बाहर रह रहे हैं, वो पैरासाइटिक नहीं हैं, वो अपने आप में जीवित रहते हैं, अपने अपने यानी कि उनको दूसरों पर निर्भर नहीं है वो। लेकिन पैरासाइटिक जो फॉर्म होते हैं उनमें ये सिस्टम कम डेवलप्ड होता है। कोई भी सिस्टम अगर आप देखेंगे, भले ही वो ये वाला सिस्टम हो या दूसरा सिस्टम हो, तो वो हमेशा पैरासाइटिक फॉर्म में हमेशा कम डेवलप्ड होगा, और जो फ्री लिविंग फॉर्म है उसमें हमेशा ज़्यादा डेवलप्ड होगा, क्योंकि फ्री लिविंग को ज़्यादा आवश्यकता होती है इन चीज़ों की, और पैरासाइटिक जो फॉर्म होता है वो दूसरे एनिमल के अंदर और उसके सिस्टम से काम चला लेता है। तो अगला सिस्टम जो सेंस ऑर्गन्स, अगर नर्वस सिस्टम की बात हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो ऑसिली होती हैं, जो लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट्स होते हैं और वो लाइट को सेंस कर सकते हैं ये, और ज़्यादातर ये अगर आप देखें एग्जांपल इसके है ट्यूबलेरियंस में, और जो ट्रेमेटोड्स के जो लार्वा हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं ओसिली। टेक्टाइल और कीमोरिसेप्टर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि बहुत आयत में होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। स्टेटोसिस्ट होती हैं जो बॉडी के इक्विलिब्रियम को बनाए रखने में मदद करती हैं, बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती हैं। रियोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट को सेंस करते हैं, यानी कि पानी का बहाव किस ओर है इसको सेंस करने के लिए भी इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रियोरिसेप्टर्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेंस ऑर्गन्स भी प्लेटिहेलमिंथीज में प्रेजेंट हैं कुछ। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि ज़्यादातर जितने भी ये प्लेटिहेलमिंथीज हैं मोस्टली ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, दोनों जेंडर मेल भी और फीमेल ऑर्गन्स दोनों के दोनों एक ही एनिमल के अंदर जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं मेल फीमेल पार्ट्स वो एक ही एनिमल के अंदर मिल जाते हैं ज़्यादातर में। हालांकि सभी में ये केस नहीं है, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं इसके अंदर भी, लेकिन ज़्यादातर में जो एनिमल्स हैं इसके अंदर वो हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। जब पैरासाइटिक स्पीशीज होती हैं जैसे फ्लूक्स हो गए और टेप फॉर्म्स हो गए, उनका जो लाइफ साइकिल होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें
होस्ट भी होता है जिसके माध्यम से वो रिप्रोड्यूस करती हैं। अगर होस्ट को हटा दें तो फिर उनका रिप्रोडक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। लेकिन जो फ्री लिविंग है उनकी लाइफ साइकिल इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती जितने की पैरासाइटिक फॉर्म्स की होती है। और जो पैरासाइटिक फॉर्म है उसमें क्योंकि अलग अलग एनिमल्स के थ्रू पास होता है तो अलग अलग लार्वल फॉर्म्स भी बनती है, तो देखा जाए तो वो कॉम्प्लेक्स होती है। इनके अंदर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लेटियल मेंथीज में रिजनरेशन की बहुत अच्छी पावर होती है और बहुत अच्छा रिजनरेट कर सकते हैं। अगर आप अभी हम देखेंगे आगे कि वो बिल्कुल पूरा का पूरा आधा अगर कर दें उसको तब भी वो आधा आधे जो है वो दो बन जाएंगे और रिजनरेशन उनका हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज भी इनके अंदर पाई जाती हैं, तो रिजनरेशन की भी बहुत अच्छी इनकी पावर है, तो एसेक्सुअली भी एक तरह से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स देख लें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कुछ टुबुलेरियंस हैं जो बाइनरी फ्यूजन से भी वो रिप्रोड्यूस कर लेती हैं, लेकिन सेक्सुअली अगर होगा तो ज़्यादातर में ये हेर्मोफ्रोडाइटिक होते हैं, यानी कि दोनों सेक्स होते हैं, वो सांतर प्रजाति होते हैं। बात करते हैं इस फाइलम के क्लासिफिकेशन की कि इसमें कितनी क्लासेस आती हैं। इस फाइलम में बेसिकली चार क्लासेस हैं। सबसे पहले टेबुलेरिया है जो कि फ्री लिविंग आपके प्लेटिहेल्मिन्थीज हैं, फ्लैटवॉर्म्स हैं, और ये इनका कोई भी होस्ट नहीं होता है। होस्ट नहीं होता अर्थात ये किसी दूसरे एनिमल के अंदर इनके लाइफ साइकिल का कोई पार्ट नहीं होता और ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये फ्रीली जैसे और एनिमल्स रहते हैं वैसे ये लोग ये ऑर्गेनिज्म से रहते हैं। आपको बता दूं कि प्लेटिहेल्मिन्थीज ऐदर फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, मराइन वाटर में हो सकते हैं, या दोनों में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो यूस्ट्री जैसे पार्ट में भी रहते हो, तो ज़्यादातर इस तरीके के, तो ये मराइन ज़्यादा होते हैं, तो ये जो ट्यूबुलेरियंस होते हैं। उसके बाद एक्टोपैरासाइट जो होते हैं इनका सिर्फ एक ही होस्ट होता है कि इनका मोनोजेनिया का मोनोजेनिया जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, बाहर लगते हैं, शरीर के अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से ये पैरासाइट अपना काम करते हैं, और इनका सिर्फ एक ही होस्ट होता है, एक से ज़्यादा होस्ट नहीं होता। ट्रेमेटोडा में अगर देखें तो ये जो होते हैं ये एंडोपैरासाइट होते हैं, और ज़्यादातर इनके जो होस्ट होते हैं वो मोलस्क या वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके थ्रू इनकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ती है। सिस्टोडिया जो चौथी और आखिरी इनकी क्लास है, जिसको हम पहले सिस्टोडा कहते थे, आजकल इसको सिस्टोडिया कहते हैं, ये एंडोपैरासाइटिक होते हैं ये भी। और बेसिकली अगर हम देखें तो जो टेबलेरिया है उसमें सीलिया जो होती है वो एक्टोडर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बाद के जो भी क्लासेस हैं उनमें पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं, वो उनमें सीलिया जो होती है वो एक्टोडर्म में प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि इनको लोकोमोशन ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। और जो बाद के अगर आप सिस्टोडिया में देखें तो इसमें स्कोलेक्स यानी कि जो हेड वाला पोर्शन अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं वो जो बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं, और माइक्रोट्राइकस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हम जब इस क्लास में आएंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। शुरू करते हैं पहली क्लास से। पहली क्लास जो है वो टेबुलेरिया है। टेबुलेरिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लास है आपके प्लेटिहेल्मिन्थीज की, और इनका नाम इनके टर्बुलेंस के कारण पड़ रहा है कि टर्बुलेरिया मतलब कि जो टर्बुलेंस ये अपनी सीलिया को बीट करने के कारण पानी में उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनको टर्बुलेरिया कह दिया गया। ज़्यादातर ये फ्री लिविंग है और इनका साइज अगर हम देखें तो 50 mm, 5 mm से लेकर 50 cm तक ये लंबे हो सकते हैं। और जो छोटे छोटे जैसे प्लेनेरिया हैं वो सीलिया के माध्यम से ये स्विम करते हैं, सीलिया की बीटिंग से ये स्विमिंग करते हैं और ऐसे ही लोकोमोशन करते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो या तो एक स्लाइम का ट्रैक बनाते हैं उस पर ग्लाइड करते हैं, और या फिर कोई एडिसिव ग्लैंड जो उनका आपने देखा होगा, जैसे कि कुछ एनिमल्स अगर मूव करते हैं जैसे स्नेल ही मान लीजिए, तो कोई एक स्लाइमी सा कोई चीज़ छोड़ते हुए चलते हैं, तो उसी तरीके का एडिसिव ग्लैंड्स होते हैं इनके पास भी, और ये उनसे क्या करते हैं एक स्लाइम ट्रैक बनाते हैं और उस पर ग्लाइड होके भी चल सकते हैं। और इसके अलावा ये अपने बॉडी मस्कुलर जो मसल्स हैं इनके उनका एक रिदमिकल यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से एक लहर के रूप में, वेव के रूप में भी ये आगे से पीछे की ओर या पीछे से आगे की ओर पास करके ये लोग मूवमेंट कर सकते हैं।
टर्बल एरिया जो है ज्यादातर एक बेंथिक होते हैं, यानी कि समुद्र तल के नीचे रहने वाले या नदी के नीचे जो फ्लोर होता है, फ्लोर के आसपास रहने वाले होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। और ज्यादातर मराइन होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में मिलते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो इंटरस्टिटियल होते हैं, यानी कि दोनों के मिलन पर, एस्चुरीज में, इस तरीके की जगहों पर भी मिल जाते हैं। अभी तक इनके तकरीबन 4,500 स्पीशीज रिपोर्ट हैं और ज़्यादातर ये फ्री लिविंग हैं और बॉटम ड्वेलर्स हैं और पत्थरों पर ही ज़्यादा रेंगते हैं या सैंड पर या वेजिटेशन के आसपास आप इनको आसानी से देख सकते हैं। इनकी फीडिंग के बारे में बात करें कि ये फीडिंग कैसे करते हैं और डाइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो फ्री लिविंग होते हैं, तो ये कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और स्केवेंजर्स भी हो सकते हैं, जो डेड एनिमल्स के ऊपर जिंदा रहते हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं, जो मांसाहारी, यानी कि दूसरे जीवों पर उनको, जीवित रहने वालों को कार्निवोर कहते हैं। तो ये कार्निवोर भी हो सकते हैं और स्केवेंजर्स भी हो सकते हैं, या डेट्रिटस हो सकते हैं, यानी कि चीज़ों को, सड़ी गली चीज़ों को डिकम्पोज करने वाले डेट्रिटस भी हो सकते हैं ये। माउथ जो होता है इनका, ज़्यादातर जो मुंह होता है वो एंटीरियर भाग में होता है, या फिर जो मिड बॉडी होती है और वेंट्रल सर्फेस में, वहाँ पर भी किसी किसी का पाया जाता है। कुछ कुछ स्पीसीज में एक प्रोट्रूसिबल फेनिक्स भी पाया जाता है, जो कि फेनिक्स का एक बहुत ही प्रिमिटिव रूप आप कह सकते हैं, जो कि इसका काम होता है फूड को कैप्चर करना और उसको माउथ में उसको ट्रांसफर करना। उसके बाद एक्सक्रीशन की बात करें तो सबसे पहले एनिमल्स, जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्लेटिहेलमिन्थीज फर्स्ट, दे आर द फर्स्ट एनिमल्स जिनके पास ट्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर फ्लेम सेल्स और फ्लेम बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके माध्यम से ये वाटर, जो नेफ्रिडिया है उसमें से एक्सक्रीटरी पोर के माध्यम से जो पानी के साथ अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें कीमोसेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि आपकी मेटिंग के लिए दूसरे मेट को ढूंढने में इनकी मदद करते हैं, और ज़्यादातर हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि बोथ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, एक ही के अंदर। और अगर हर्मोफ्रोडाइट हैं तो फिर उनको, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बहुत आसानी से हो जाता है। रीजनरेशन की पावर, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा इनमें पाई जाती है, ये एग्जाम्पल आपका प्लेनुला का दे रखा है मैंने, कि उनमें रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे प्लेनुला के हमने 5 हिस्से करे हैं तो उनमें से फिर 5 नए प्लेनुला बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रीजनरेशन से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। कैमोफ्लेज बहुत अच्छा दिखाते हैं ये दूसरे एनिमल्स के साथ, ताकि ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे फ्लैट फॉर्म्स को आप देख सकते हैं, फ्लैट फॉर्म और न्यूडे ब्रांच, इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे का कैमोफ्लेज किया हुआ है एक तरह से देखा जाए तो। जो टेबलेरियंस हैं वो बहुत अच्छा कैमोफ्लेज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका टेबलेरिया का। दूसरे क्लास में आते हैं ये मोनोजीनिया, इसमें तकरीबन 400 स्पीशीज हैं और ज़्यादातर जो हैं ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो कि फिश पर या एम्फीबियंस या टर्टल्स पर लगते हैं, और ये खून पर, खून और म्यूकस को फीड करते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड जो होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड फॉर पकड़, क्लिंजिंग के लिए होता है, ताकि वो पकड़ बना सकें, लेकिन लाइफ साइकिल जो होती है बहुत ही सिंपल होती है और फ्री लिविंग लार्वा उसमें होता है, एक भी जो भी लार्वल स्टेज होगी वो फ्री लिविंग होती है वो भी। इसके अंदर जो सबसे डिस्टिंग्विश फीचर है वो है ओफिस्टोहेप्टर का प्रेजेंस, और जो कि एक अटैचमेंट ऑर्गन होता है किसी भी दूसरे, क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट है और इनको अटैच करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को दूसरे एनिमल से, तो उसके लिए इनके पास एक ऑर्गन होता है जिसको ओफिस्टोहेप्टर कहते हैं, और इनका एक सिंगल होस्ट होता है। अगर देखें तो जैसे मैंने आपको बताया टेबुलेरियंस में कोई भी होस्ट नहीं होता, फ्री लिविंग होते हैं, तो इनमें जो होता है एक सिंगल होस्ट होगा, और बहुत से ये एनिमल्स जो हैं अंदर भी इंटरनल भी इन्फेक्ट करते हैं बहुत से एनिमल्स को, और कुछ जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में या लोअर इंटेस्टाइन में
मेढकों के या टर्टल्स के, वहाँ पर भी आप इनको पा सकते हैं। इनकी लाइफ साइकिल बिल्कुल ही डायरेक्ट होती है, यानी कि कोई ज़्यादा इनडायरेक्टली ये नहीं होता कि एक आपकी एक स्टेज आई जहाँ पर कि उसका एक लार्वा आया, फिर उसके बाद फिर दूसरे होस्ट में जाएगा, फिर वहाँ पर वो लार्वा फिर कुछ और हैच करके कुछ और तीसरा लार्वा बनेगा। तो इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, इसमें सिंपल लाइफ साइकिल होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इसमें नहीं होती है। और वो बहुत ही कम, अगर नेचर में देखें तो ये लोग बहुत ही कम नुकसान करते हैं, इकोनॉमिक डैमेज करते हैं। और लेकिन अगर फिश फार्मिंग कोई कर रहा हो और इनका इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डैमेज ये कर सकते हैं फिश को, क्योंकि फिश इनका होस्ट है। कुछ एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि डेक्टाइलो वगैरह स्पीसीज है, वो अगर उसका इन्फेक्शन हो गया तो ये एक लार्ज किल ऑफ फिशेस कर सकती है, किल मास किलिंग कर सकती है फिशेस की कमर्शियल पॉन्ड्स में। उसी तरह से जो गायरोडेक्टाइल स्पीसीज है वो भी एक लार्ज मास किलिंग कर सकती है फिशेस की, और एक ही एडल्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि वो अगर इनका इन्फेक्शन हो गया तो एक ही एडल्ट में चार चार जनरेशन तक की वो एक ही एडल्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस ये लोग कर रहते हैं उनके अंदर। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बेसिकली अगर ये ज़्यादा इतना इकोनॉमिक डैमेज तो नहीं करता है, लेकिन अगर फिश इंडस्ट्री है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक ये वाली क्लास होती है। अगली क्लास की बात करते हैं, अगली क्लास है ट्रेमेटोडा, और ये सारे के सारे फ्लूक्स होते हैं, पैरासाइटिक फ्लूक्स फ्लूक्स। और ज़्यादातर जो एडल्ट होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर रहने वाले होते हैं, और ये टर्बुलेरिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो स्किन होती है उसमें सीलिया नहीं होती है एडल्ट्स में। जैसे कि टर्बुलेरिया में हमने देखा था कि उनमें स्किन में सीलिया थी मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। सेंस ऑर्गन्स बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं क्योंकि इनको आवश्यकता है ही नहीं। एडेप्टेशन फॉर पैरासाइटिज्म इंक्लूड्स की पैरासाइटिज्म के लिए इनके पास क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं, कि ये ग्लैंड्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं, हुक्स और सकर्स होते हैं ताकि ये चिपके रह सकें, वो किसी ऑर्गन को पकड़ के रह सकें, और इनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तभी ये इनके जीवित रहने की संभावना है, इनके बच्चे रहने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर इनकी लाइफ साइकिल हम जनरल ट्रेमेटोड की देखें तो एक डेफिनेटिव होस्ट से इनका एक पास होता है, उसको पानी में पहुंचना ही पहुंचना होता है अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, और इसमें से फिर एक फ्री स्विमिंग सीलेटेड लार्वा निकलता है जिसको नॉर्मली मेरेसीडियम कह देते हैं, और मेरेसीडियम जो होगा फिर वो पेनिट्रेट करेगा स्नेल को, और जहाँ पर कि वो एक दूसरा लार्वा जो स्पोरोसिस्ट है वो बनेगा वहाँ पर, और स्पोरोसिस्ट फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और रेडिया लार्वा बनाता है, और रेडिया दोबारा से फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और सरकारिया लार्वा बनाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी आसान नहीं है। पहले तो उसको होस्ट को लार्वा को जो है वो हैच करना है पानी में, फिर पानी से स्नेल में इन्फेक्ट करना है, स्नेल से फिर उसके अंदर भी फिर और भी ज़्यादा उसकी लार्वल फॉर्म्स बनेंगी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है। सरकारिया बनने के बाद सरकारिया जो होता है वो स्नेल से एमर्ज होता है, और दूसरे इंटरमीडिएट होस्ट में यानी कि स्नेल से बाहर आने के बाद ये फिश में फिर पेनिट्रेट करता है, और जो सरकारिया फिर मेटा सरकारिया बनता है जिसको हम जुवेनाइल फ्लूक्स भी कह देते हैं, बहुत छोटे से वो मछली के अंदर बनेगा आपका, और मेटा सरकारिया जो होता है फिर बाद में वो एडल्ट बनता है, बाद में बड़ा होता है, और जब किसी डेफिनेटिव होस्ट के द्वारा खाया जाता है वो तो तब वो एडल्ट में बनेगा। वो कुछ ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सीरियस पैरासाइट्स हैं जो, और डोमेस्टिक एनिमल्स के भी बहुत सारे ट्रेमेटोड्स ऐसे हैं जो पैरासाइट्स हैं और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज करते हैं, जैसे शीप के लिए लीवर, शीप का लीवर फ्लूक हो गया और ह्यूमन लीवर फ्लूक हो गया। तो इस तरीके के हम देखते हैं कि बहुत से जो ट्रेमेटोड्स हैं वो कैटल्स को और ह्यूमन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगली क्लास जो सॉरी इसी फ्लूक्स में हम देखें कि तकरीबन आज तक 6,000 स्पीशीज एंडोपैरासाइट्स की इसमें रिपोर्टेड हैं जो लीवर लंग्स ब्लड मसल्स को इन्फेक्ट करती हैं, और
जो लाइफ साइकिल है वो इसी तरीके से एडेप्ट होती है कि उसको पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस करना है। सकर्स प्रेजेंट होते हैं ओरल और वेंट्रल सकर्स, ताकि एडेसिव वो होगा। और इसके अलावा अगर इसमें हम और देखें कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, ये ट्रेमेटोड्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के एक्सटर्नल पैरासाइट भी हो सकते हैं और इंटरनल पैरासाइट भी हो सकते हैं। और लीच की तरह बॉडी होती है इनकी, किसी हर एंड पर जो होता है वो सकर होता है, ताकि वो अपने आप को अटैच कर सकें जो उनका होस्ट है उससे। एक गट होता है उनके पास, और वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और ये कभी भी सेगमेंटेड नहीं होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका, और अगली वाली क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें, कि इसमें सेगमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन जो अगली क्लास आएगी उसमें सेगमेंटेशन होता है। एक सिंपल सी लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं फेसियोला हेपेटिका की, कि अगर हम फेसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहले, जब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन्फेक्शन, मान लीजिए आप, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई एनिमल से अनएम्ब्रियोनेटेड एग पास होता है फेसिस में, उसके जो मलमूत्र होता है उसमें जब वो पास होता है तो वो पानी में आता है, और पानी में आने के बाद वो मेरिसिडियम जो होता है वो जो अनएम्ब्रियोनेटेड एग है वो मेरिसिडियम बनता है जब वो स्नेल के अंदर पेनिट्रेट करता है। स्नेल के अंदर फ्री स्विमिंग सरकारिया लार्वा है, और स्नेल के अंदर ही अगर हम देखें तो दो तीन लार्वा और बनते हैं टिश्यू के अंदर ही, वो स्पोरोसिस्ट हो गया, रेडिया हो गया, सरकारिया हो गया। और उसके बाद जब सरकारिया बन जाता है तो सरकारिया फिर दोबारा से रिलीज होता है, और वाटर के जो भी पानी में निकलने के बाद जो भी वाटर के प्लांट्स होते हैं उनमें ये अटैच हो जाता है, और जो भी कैटल्स इनको खाते हैं, इन प्लांट्स को जो तालाबों के, नदियों के किनारे होते हैं या वाटर बॉडी के किनारे होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उनके माउथ से होते हुए उनके अंदर पहुंच जाता है, और दोबारा से फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो जो प्लांट्स या वहाँ पर जो फिशेस या जो वहाँ पर जो वाटर का इंजेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी में हुआ और उनने लिया, और उसके अंदर भी जो होता है फिर ये सीधा का सीधा जो होता है ड्यूओडेनम में चला जाता है, और ड्यूओडेनम में जाने के बाद ये जो हेपेटिक बाइलरी डक्ट है वहाँ पर पास हो जाता है, और वहाँ से फिर दोबारा से हैच होने के बाद ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग जो होता है वो दोबारा फेसिस में निकलेगा, और ये पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है इसमें। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, इसमें नोट करने वाली बात है दो तीन है, कि पहला जो लार्वा होता है वो मेरिसिडिया होता है, फिर उस स्नेल के अंदर स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सरकारिया बनता है, और सरकारिया एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, जब ये वाटर बॉडी में आता है तो उसके बाद फिर ये मेटा सरकारिया में डेवलप होता है, और मेटा सरकारिया जो होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी है आपकी, वो मेटा सरकारिया की है। और अगर डायग्नोस्टिक स्टेज आपको चेक करनी है कि किसी भी ये इन्फेक्शन है कि नहीं है, तो आपको उसका स्टूल टेस्ट या फिर उसका जो भी फेसिस है उसका टेस्ट करना पड़ेगा, तो वो वाले इसकी डायग्नोस्टिक स्टेज है। इसी को अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे ऐसे फ्लूक्स होते हैं, जैसे एक बहुत ही खतरनाक फ्लूक होता है जिसका नाम है आपका सिस्टोमा मैंसोनी, जिसको हम नॉर्मली ब्लड फ्लूक भी कह देते हैं। ये गैविशियस होता है, यानी कि इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं। बेसिकली इनको हम फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं पूरे प्लैटियल मेंथीज को, लेकिन ये फ्लैट नहीं होता है, ये जो होता है ये राउंडेड जैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है। इनका कोई भी सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, और एक डेफिनेटिव जो होस्ट होता है उसके इंटेगुमेंट्स में ये पेनिट्रेट करते हैं। और इसका आपको देख सकते हैं कि ये जो एक इमेज है, ये एक स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है, जो एक एडल्ट मेल है और फीमेल है सिस्टोमा मैंसोनी की, जो ब्लड फ्लूक्स है उनका। अगली क्लास में आते हैं, चौथी क्लास हमारी सिस्टोडिया टेपवॉर्म्स। ये भी बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि बहुत से डिजीजेस और इन्फेक्शन इस क्लास के द्वारा भी, टेपवॉर्म्स के द्वारा भी करे जाते हैं। पहले इसको सिस्टोड़ा कहते थे, लेकिन आजकल इसको सिस्टोडिया कहा जाता है। और इसका जो डेफिनेटिव कैरेक्टर होता है, जो इसको डिफाइन करता है, वो होता है इसके दो चीज़ें जो इसमें प्रेजेंट होती हैं, स्कोलेक्स और प्रोग्लोटिड्स।
स्कोलेक्स जो होता है वो आगे एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है और अटैचमेंट में बहुत ही मदद करता है दूसरे एनिमल्स को। और प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो सेगमेंटेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी उसमें और इसमें सेगमेंटेशन का फर्क है कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है लेकिन उसकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। तकरीबन 3,500 स्पीसीज हैं इसके जो कि सारे के सारे एंडो पैरासाइट्स हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं जिनमें कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड बॉडी और लाइफ साइकिल होती है इनकी। और इनका एक होस्ट ह्यूमन भी होता है, ये आदमी को भी इन्फेक्ट करती हैं। और सबसे लंबा जो आज तक का रिकॉर्डेड टेप वर्म है वो 30 मीटर का है, जो कि एक स्पर्म व्हेल में पाई गई थी। इसके अलावा ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्टिब्रेट्स के रहते हैं, और वहीं पर से ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बॉडी वॉल के थ्रू ये एब्जॉर्ब करते हैं जो उस एनिमल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको। और जो एडल्ट्स हैं इनके वो 1 mm से लेके 25 मीटर तक की लंबाई इनकी हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे लंबे ये टिप वर्म्स हो सकते हैं। प्रोग्लॉटिड जो होता है वो इनका एक सेगमेंट होता है, यानी कि एक छोटा सा आप कह सकें एक सेगमेंट उसकी बॉडी का। तो प्रोग्लॉटिड के अंदर भी अगर आप डिटेल में देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी जो पार्ट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और बाकी चीज़ें हैं, वो अपने आप में पूरी एक बॉडी होती है। और एक एनिमल के अंदर तकरीबन 3,000 से 4,000 तक प्रोक्लॉटिड्स हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे छोटे ये पार्ट्स हैं और इसके अंदर कितने छोटे छोटे फिर सब पार्ट्स या ऑर्गन्स रहते होंगे। जो एंटीरियर पार्ट होता है सबसे आगे वाला, उसको हम लोग स्कोलेक्स कहते हैं। स्कोलेक्स में जो होता है आपके स्कोलेक्स में सकर्स होते हैं और रोस्टेलियम होता है, हुक्स होते हैं, और जो प्रोग्लोटिड होता है उसमें सारे के सारे आपके सेक्सुअल पार्ट्स और बाकी दूसरे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस डायग्राम आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में जो प्रोग्लॉटिड है उसको खोला गया है, ये एक असली टेप फॉर्म का एनलार्ज इमेज है, और स्कोलेक्स और प्रोग्लॉटिड आप इसमें बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें प्रोग्लॉटिड्स का, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक जेनाइटल पोर होता है जो कि जुड़ा होता है, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है और जुड़ा होता है स्पर्म जग से। इस तरीके से इसमें वजाइना भी होती है, ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है, ओवोसाइट्स होते हैं, और इसमें यूटेरस और टेस्टिस पाई जाती हैं, और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, सेमिनल रिसेप्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, महलीज ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यॉर्क ग्लैंड होते हैं, एक्सक्रीटरी कैनाल होती है। तो एक प्रोग्लॉटिड में तकरीबन तकरीबन पूरे सेक्सुअल ऑर्गन जितने भी प्रेजेंट चाहिए होते हैं किसी भी एनिमल को रिप्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअली, वो सारे के सारे एक प्रोग्लॉटिड में पूरी एक बॉडी है वो उससे प्रेजेंट होती है। और जब हम देखेंगे कि इन्फेक्टिव स्टेज इसका आता है तो ये उसमें क्या करता है कि ये प्रोग्लॉटिड्स को रिलीज करता रहता है, अलग अलग तोड़ तोड़ के रिलीज करता रहता है, जिससे कि सारे के सारे एक अलग 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 इंडिविजुअल बनते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेप वॉर्म्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है टीनिया सजेनेटा, जिसको हम बीफ टेप वॉर्म भी कहते हैं, और जिन देशों में बीफ खाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है उन देशों में ये बीमारियाँ, इससे इन्फेक्शन लोगों को ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि हमारे देश में क्योंकि बहुत कम लोग बीफ खाते हैं तो इसलिए ये इन्फेक्शन बहुत कम पाया जाता है। उसके अलावा दूसरा जो है वो है फिश टेप वॉर्म, जिसको डिफाइलोबोथ्रियम लैटम कहते हैं। ये मछली का टेप वॉर्म होता है, और बहुत ही जैसे ट्रॉट में मैंने आपको दिखा रखा है कि एक टेप वॉर्म का इन्फेक्शन कितना भयंकर हो रखा है और ये उसकी डेथ तक कर सकता है। फिर है यूनिलोकुलर हाइटिटिड, ये आपके जब इन्फेक्शन करता है तो ये आँख तक पहुँच जाता है, और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस कहते हैं इसको, और किस प्रकार से इसका इन्फेक्शन होने पर आँख में इन्फेक्शन हो रखा है। उसके बाद इकाइनोकोकस मल्टी लोकुलरिस है, जिसको एल्वुलर हाइटिटिड कहते हैं। इसमें ज़्यादातर ये चूहों को और जो भी इनको इन्फेक्शन करता है, बहुत से ह्यूमन बींग्स में अफ्रीकन कंट्रीज में भी इसका इन्फेक्शन पाया जाता है।
फिर है ड्वार्फ टेप वर्म, ये भी आपके आँख तक पहुँचता है, बहुत ही छोटा साइज में होता है इसलिए इसको ड्वार्फ टेप वर्म कह देते हैं। और ये भी एनिमल्स के वर्टिब्रेट्स की आँखों तक में, रेटिना में और इनके लेयर्स में अंदर पहुँचता है अपने लाइफ साइकिल के द्वारा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे और टेप वर्म्स हैं जो अलग अलग इन्फेक्शन करते हैं, और आप देख सकते हैं एक्स इसमें ले वो रखे हैं किस प्रकार से ये अलग अलग टेप वर्म्स इसमें दिख रहे हैं। तो इन टेप वर्म्स का कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है आप देख सकते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं टीनिया सोलियम पॉक टेप वर्म कहते हैं जिसको, इसका इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, इसका इन्फेक्शन जिन एरियाज में पॉक खाया जाता है। और पॉक को अगर हम ज़्यादा अच्छे से पका कर ना खाएं तो फिर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसकी जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो सुअर होता है। तो टीनिया सोलियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टेप वर्म है। आइए ऐसा करते हैं इसकी एक लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं हम लोग कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो पेटेंट पीरियड जो होता है वो 5 से 12 वीक का होता है, और पेटेंट पीरियड जो होता है वो डिकेड्स तक रह सकता है ये। और इसके एग इंजेशन के यानी कि इसके एग खाने के 3 मुख्यतः रास्ते होते हैं, या तो हमने कोई कंटेमिनेटेड फूड या वाटर खाया, या एक्सटर्नल ऑटो इन्फेक्शन हो गया, आपने कहीं यहाँ वहाँ गए और वहाँ पर इसका ये था और ये पेनिट्रेट हो गया आपके स्किन में या माउथ में किसी वजह से, पैरों के नीचे से भी ये पेनिट्रेट हो जाता है, या फिर ये इंटरनल ऑटो इन्फेक्शन हो गया कि स्टमक में जो प्रोग्लोटिड है वही वहीं पर रिजनरेट हुआ और पहले से इन्फेक्शन था और वहीं से भी दोबारा से इन्फेक्शन और बढ़ता गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बेसिकली 3 तरीके से आपके अंदर इसका इंजेशन हो सकता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है कि अगर आपने इनएडिकुएटली यानी कि पूरे अच्छे से पकाया हुआ सूअर का मांस नहीं खाया तो फिर आपको इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। और खाने का और पानी का अगर कंटेमिनेटेड अगर आपने लिया है तो उससे भी। ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। अगर टेप वर्म का ट्रांसमिशन देखें तो बेसिकली हमको 3-4 चीज़ों वजहों से हो सकता है। पहला है अगर आपने जो पॉर्क है वो अच्छे से पकाया हुआ पॉर्क नहीं है, हाई टेम्परेचर में पकाया हुआ पॉर्क नहीं है तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा अगर कोई कंटेमिनेटेड फूड या वाटर सोर्स है जिसमें कि पहले से ही उसके लार्वा प्रेजेंट हैं या उसके इन्फेक्शन वाले कंटेमिनेटेड फूड है वो, तो उससे भी आपको ये ट्रांसमिशन हो सकता है। और अगर आप रॉ ह्यूमन सीवेज का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में करते हैं तो हो सकता है कि उन फूड प्रोडक्ट्स के द्वारा ही वो इन्फेक्शन आपके अंदर आ जाए। और अगर जो ह्यूमन फेशियल सैनिटेशन है उसका प्रॉपरली नहीं किया गया है ह्यूमन बींग्स में तो उससे भी ये इन्फेक्शन लोगों में फैल सकता है और इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। पैथोजेनिसिटी की बात करें कि ये कैसे इन्फेक्शन करता है, बेसिकली ये 2 प्रकार की बीमारियां करता है, एक टेनेसिस होता है और एक सिस्टिसरकोसिस होता है। अगर जो इन्फेक्शन पॉक्स से ह्यूमन बींग्स में आ रहा है तो उसको टेनेसिस कहते हैं, और अगर मान लीजिए जो टेनेसिस के बाद जो डेफिनेटिव होस्ट है ह्यूमन बींग्स उसके बाद अगर वो जो प्रोग्लोटिड्स रिलीज हुए हैं या जो इन्फेक्टेड है वो दोबारा से ह्यूमन ने ही इंजेस्ट कर लिया, और जैसे टीनिया सोलियम के एग उसने दोबारा से इंजेस्ट कर लिए तो जो इन्फेक्शन होगा उसको ह्यूमन सिस्टिसरकोसिस कहते हैं। और अगर मान लीजिए वो एग्स को इंजेशन जो है टीनिया सोलियम के या प्रोग्लोटिड्स का जो इंजेशन है वो सूअर ने किया जो कि एक इंटरमीडिएट होस्ट है, और दोबारा फिर सुअर के मीट के माध्यम से बीमारी ह्यूमन बींग में आई तो उसको टीनेसिस कहेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 तरीके के बीमारियां ये ह्यूमन बींग्स में करता है, एक टीनेसिस है और एक ह्यूमन सिस्टिसरकोसिस है। लाइफ साइकिल अगर इसका हम देखें कि जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं यानी कि जो मेच्योर्ड प्रोग्लोटिड्स हैं जब वो स्टूल में रिलीज होते हैं तो उसके बाद ये जो ऑन्कोस्पियर्स हैं वो हैच करते हैं और सुअर के जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसको पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि सुअर हमको पता है कि वो सड़ी गली चीज़ों को ही खाता है और फेशियल मटेरियल खाता है तो उसके अंदर आसानी से चला जाता है। उसके बाद जो ऑन्कोस्पियर होता है उसके अंदर हैच करता है उसके, और उसके जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसको पार कर लेता है, और उसके बाद फिर वो सिस्टिसरकाई लार्वा बन जाता है, उसके मसल्स तक पहुँचता है सुअर के और वहाँ पर वो सिस्टिसरकाई लार्वा बन जाता है।
जब अनकुक्ड या पुअरली कुक्ड, नॉट वेल कुक्ड जो पॉर्क है ह्यूमन बींग्स खाते हैं, तो उनके जो मसल्स में जो सिस्टिसरकाई प्रेजेंट है पहले से ही, उसके होने से ह्यूमन में इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके बाद जब वो डाइजेस्ट होता है तो जो उसके इंटेस्टाइन्स, जो ह्यूमन बींग्स से जो फेशियल मटेरियल निकला, उसमें जो ग्रेविट प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। इस तरीके से साइकिल पूरी चलती रहती है। तो डेफिनेटली होस्ट इसमें ह्यूमन बींग होता है, और जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, जो उसकी लाइफ साइकिल के लिए एक इंटरमीडिएटरी स्टेज होता है जहाँ से उसको गुजरना जरूरी होता है, वो आपका यहाँ पर सुअर है यानी कि पिग है। वो कंट्रोल मेजर कैसे करेंगे कि सिस्टिसरकोसिस या टीनियस से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कि जो ह्यूमन बीइंग जिसको इन्फेक्शन हुआ है टेप वॉर्म का, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहिए, और उस समय पर सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का, उसके जो फेसेस है स्पेशली उसके डिस्पोजल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई भी मीट अगर खाते हैं तो उसका अच्छे से पहले इंस्पेक्शन करना चाहिए कि वो मीट किस जगह का है और कहाँ का है। बीफ को कभी भी 65 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में पकाना चाहिए, या उसको -20 डिग्री तक जो है, -20 डिग्री पर रख दीजिए 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, तब भी वो जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उसका स्टूल का अच्छे से एग्जामिनेशन करना चाहिए, और जो एंडेमिक कंट्रीज हैं उनके जो फूड हैंडलर्स हैं उनका भी स्टूल एग्जामिनेशन अच्छे से करना चाहिए, ताकि वो लोग दूसरों को ना फैला सकें। कभी भी ऐसी जगहों पर खाना ना खाएं जहाँ पर कि अनकुक्ड वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स मिलते हों, और या ऐसे फ्रूट जिनको हम छील नहीं सकते, ऐसे बिना छीले उनको खा लिया ट्रेवलिंग के दौरान, या इस तरह से, या डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली, तो ऐसी जगहों पर ये चीज़ें ना करें, तो इन इन चीज़ों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।